है वो होने वाला है। आप इसको अपने सामने यामाहा MT15 सियान ब्लू कलर के साथ ब्रांड न्यू बाइक है। टॉप रैक की प्लेट इसमें लग चुकी है, लीवर गार्ड्स लग चुके हैं, फुल स्लाइडर, क्रैश गार्ड, तो चीज़ें इसमें लग रही है। फिनटेक का यहाँ पर लगेगा हैज़ार्ड, इसमें आपको इस तरीके का कार्ड मिलेगा जिसे भर के दिया जाएगा। फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आती है चेंज करा लेना। तो फोर्क स्लाइडर की काफी सारी वैरायटी और भी है, एक ये हो गया फोर्क स्लाइडर, एक ये वाला हो गया। एक्सट्रीम लेवल के हैवी होते हैं, दो लगेंगे सेट लगे, अलावा लीवर गार्ड्स हो गए। इसमें कलर वगैरह काफी सारे मिल जाएंगे। क्लच और लीवर है वो सेफ रहते हैं, कहीं मान लो बाइक गिरती है तो ये टेम्पर्ड है, जैसे आपके फोन की स्क्रीन का टेम्पर्ड है, ऐसे यामा M15 के मीटर का टेम्पर्ड, जो कि हेडलाइट के नीचे लगेगी छोटी सी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पहले आपके लिए वीडियो एक ऑन टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKD Bike। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर होने वाला है वो होने वाला है आप इसको अपने सामने यामा MT15 सियान ब्लू कलर के साथ ब्रांड न्यू बाइक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगाने वाला हूँ जो कि इसमें लुक्स को एनहेंस करेंगी, सेफ्टी बढ़ाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो लगानी चाहिए गाइस आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि करके एक्सेसरीज और फिर आपको दिखाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लग चुकी हैं, जैसा कि अभी आपने देखा टॉप रैक की प्लेट इसमें लग चुकी है, लीवर गार्ड्स लग चुके हैं, फुट स्लाइडर, क्रैश गार्ड, तो चीज़ें इसमें लग रही है। कुछ चीज़ें और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी जाली कवर हो गए, इसे कान के कवर कर सकते हैं, जैसे कि इसके आगे का फ्रंट का जो पार्ट है वहाँ लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिमटेक का यहाँ पर लगेगा हैज़ार्ड, जिसमें आपको एक साल की गारंटी मिलेगी, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको चेंज करा के ले आ सकते हो। ये देख सकते हो ये हैज़ार्ड हो गया, इसमें आपको इस तरीके का कार्ड मिलेगा जिसे भर के दिया जाएगा। फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आती है चेंज करा लेना हैंड टू हैंड काउंटर से गाइस, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा गाइस फोर्क स्लाइडर, तो फोर्क स्लाइडर की काफ़ी सारी वैरायटी और भी है, एक ये हो गया फोर्क स्लाइडर, एक ये वाला हो गया, और गाइस ये भी होते हैं लेकिन ये ज़्यादातर जो है आपके क्रैश गार्ड पे लगेंगे। बाकी बहुत सारे और मिल जाएंगे जिसमें यामा का भी आपको लोगो मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के हैवी होते हैं, दो लगेंगे सेट लगेगा। सेट का जो वेट है करीब है वो आधा किलो, आप समझ लेना इसकी मजबूती कितनी हो गई। रेडिएटर ग्रिल ये लगाने वाले हैं, इसके अलावा लीवर गार्ड्स हो गए, इसमें कलर वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे, हर पार्ट के कलर मिल जाएंगे, जो आप कॉम्बिनेशन चाहो बोल सकते हो। CNC मेटल ये देखो गाइस, जो कि आपके जो क्लच और लीवर्स है वो सेफ रहते हैं, कहीं मान लो बाइक गिरती है तो ये इस तरीके से आता है। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर हो गया, वाइजर ये सिंगल है, इसमें डबल भी आता है अलग अलग कलर का, तो वो भी हो गया। इसके अलावा इसका जो मीटर टेम्पर्ड है, जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन का टेम्पर्ड है, ऐसे ये यामा M15 के मीटर का टेम्पर्ड है। ये विंगलेट हो गई जो कि हेडलाइट के नीचे लगेगी छोटी सी, और ये हो गया इसका टैंक पैड। ये टॉप रैक की प्लेट है जो आपने वहाँ लगी हुई देखी थी, तो ये कुछ ऐसे दिखती है, लगने के बाद वैसे दिखती है, ठीक है। और क्रैश गार्ड ये रहा। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, कंप्लीट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे कैसा लुक आता है यामाहा MT15 पर। फाइनली दोस्तों जो मैंने आपको एक्सेसरीज दिखाई थी वो यामाहा MT15 में लगने के बाद, यानी कि एड ऑन होने के बाद जो लुक आ रहा है वो आप देख सकते हो।
क्रम्पल्स ओवर डिसेंट, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो नीडफुल है, जो करानी चाहिए आपको। बाकी चीज़ें नहीं, बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको करवाना चाहिए। वो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैं क्रैश गार्ड, जो कि पूरी तरीके से इंजन की सेफ्टी करता है, टैंक वगैरह जो है पूरा सेफ रहता है। मान लो कभी बाइक गिर जाती है तो इस पर स्क्रेचेस नहीं पड़ता। छोटा सा स्लाइडर भी है जो कि कभी मान लो बाइक गिरेगी तो ये इस पर इंपैक्ट आता है, ये सारा रोक लेता है। बाकी इस पर आप कुछ इस तरीके से पैर भी रख सकते हो, जैसे कभी थक गए राइड करते समय, तो ये इसलिए भी काम आ जाता है। और लुक आप देख लो कैसी है इसकी, इस साइड से भी देख सकते हो आप। बाकी नॉर्मल स्लाइडर भी काफ़ी सारे लोग लगवा रहे हैं, लेकिन स्लाइडर क्या है वो सिर्फ 10% ही सेफ्टी करता है, क्योंकि स्लाइडर और ये क्या है चेसिस से कनेक्ट है, तो आप खुद समझ सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी सेफ्टी रहती है। बाकी यहाँ पर लीवर गार्ड्स हैं, और ये काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता दूँ। जैसे मान लो कभी आप राइडिंग कर रहे हो और कभी रास्ते में ऐसी जगह पर बाइक गिरी आपकी और ये लीवर टूट गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस केस में ये लगाए जाते हैं, जिससे कहीं बाइक गिरेगी तो ये इंपैक्ट इस पर आता है और आपके लीवर्स वगैरह सेफ रहते हैं। और लुक भी देख सकते हो, और जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे रहता है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और वहाँ चला रहे हो तो काफ़ी सारे लोगों के हाथ लग जाते हैं, तो कभी ब्रेक दब जाता है तो कभी क्लच दब जाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ होती है। ये CNC मेटल में कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, कार्बन फिनिश डिसेंट लुक दे रही है। और पहले जो है इसके ओल्ड वाले मॉडल में हेलोजन बल्ब आते थे, अब इसमें क्या करा कंपनी वालों ने पूरे LED जो है इंडिकेटर दे दिए, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसमें हैजार्ड लगाना पड़ता है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा हैजार्ड के पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए, जो आपका ये इंडिकेटर वाला स्विच है इसको दाएं बाएं बीच में दबाना है, यानी कि लेफ्ट राइट नीचे प्रेस करना है फास्ट फास्ट, क्योंकि आप सामने देखो पैटर्न चेंज हो रहे हैं इसके। तो इसमें इसी तरीके से पैटर्न चेंज होते रहते हैं, जितनी बार आप करोगे उतनी बार पैटर्न मिलेंगे, करीब 25 से 30 पैटर्न, 25 से 30 तरीके के ये अलग अलग तरीके से चलते हैं। और अगर आपको कोई सेट करना है तो एक बार और दबा देना, फिर उसके बाद कभी आप चाबी ऑफ भी कर दोगे ना, यानी कि इग्निशन ऑफ करोगे तब भी आपका पैटर्न सेट रहेगा। और अगर आपको इंडिकेटर देना तो नॉर्मली इंडिकेटर दो, चारों इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बंद हो गए, जिस साइड का आप इंडिकेटर दोगे उस साइड का चलने लगेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक मीटर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर मीटर टेम्पर्ड है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे अपने फ़ोन का टेम्पर्ड आता है उसी तरीके से है ये। फ्रंट में एक वाइज़र है, और वाइज़र के काफ़ी सारे कलर और मिल जाएंगे। सिंगल वाइज़र भी आपको दिखाया था, ये डबल वाला लिया गया, गोल्डन का टच इसमें दिया गया क्योंकि सस्पेंशन इसके गोल्ड है। और ये जाली कवर्स हो गए इसके मेटल में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो ये फोर्स स्लाइडर है, जिसका बेसिकली यूज़ होता है, मान लो कभी बाइक गिरती है सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होती है, डिस्प्ले वगैरह डिड नहीं होती, और जो लुक है आगे का काफ़ी ज़्यादा भारी आ जाता है। और ये जो है इसका वेट मैंने आपको बताया था शुरू में, करीब आधा किलो वेट है। इस पर खड़े भी हो गए आप तब इसकी कुछ नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस। ये हो गया। और ये यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल है, जो कि ये भी गोल्डन कलर की लगाई है। बाइक के चलते समय मान लो कभी कोई पत्थर वगैरह कोई पार्टिकल इस पर टच हो और ये डैमेज हो, उसकी सेफ्टी के लिए रहता है ये। और यहाँ मैंने आपको क्रैश गार्ड दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी टॉप रैक की प्लेट लगा रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होती वो भी लगवाते हैं, काफ़ी सारे हमारे शॉप पर आते हैं, वो कहते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सीट काफ़ी सारे लोगों को पता है इसकी कहीं ना कहीं छोटी है, इस पर एक बैकरेस्ट और लगवा सकते हो आप, अगर आपको लगवाना है पिलियन राइडर के लिए, जो कि इसके पीछे बैठेंगे तो वो इस पर ईजिली बैठ सकते हैं। बाकी स्टोरी सीट या सीट कवर भी आप लगवा सकते हो। काफ़ी बेसिक सी मॉडिफिकेशन है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी, लेकिन वो कस्टमर चॉइस से होता है। यहाँ पर रिंग लगा रखा है रेड कलर का, कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और एक है विंगलेट, विंगलेट जो है वो ये वाले पार्ट का नाम होता है, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। विंगलेट है ये, और ये है आपकी रिंग लाइट। तो ये है गाइस लुक इसका कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये थी आपकी यामाहा MT-15। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है, R15 है या टू व्हीलर, कोई भी जितनी भी धरती पर दौड़ रही है, सबकी मॉडिफिकेशन आ जाती है अपनी शॉप पर। और मॉडिफिकेशन के बाद कैसा लग रहा है लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरह के काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो दिल्ली के करोल बाग नए वाला मार्केट में, SKD हमारी शॉप के नाम से। बाकी ये था आज की वीडियो, मिलता फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।